क्या सच में कभी ख़त्म नहीं होगी कोरोना की ये बीमारी? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि धीरे धीरे भारत के हर एक नागरिक को अपनी चपेट में लेते जा रही है। ये उतनी खतरनाक नहीं है, परंतु इसका संक्रमण है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इस बीमारी ने हमें डरा कर रखा है, और ऐसा ही चलता रहा तो ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बात बेशक डराने वाली है, परंतु सच है। और भारत में जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे नहीं लगता कि लॉकडाउन का भारत के ऊपर कोई असर हुआ है, मतलब कि भारत में संक्रमण मिलने की संख्या पर कोई असर हुआ है लॉकडाउन का। और सही भी है, क्योंकि आप सभी एक गलत फहमी में जी रहे हो। ये बीमारी फैल रही है ये बात बेशक गलत है, सही भी है गलत भी है, 50-50 है। पर देखा जाए तो ये बीमारी उतनी नहीं फैल रही है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि पहले टेस्ट कम हो रहे थे इसलिए बीमारी कम मिल रही थी, और अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए बीमारी ज़्यादा मिल रही है। मतलब अब टेस्ट बढ़ गए हैं तो ये बीमारी बढ़ गई है। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया पास्ट में चल रही है। जो आज आप केस देख रहे हैं वो 15 दिन पहले के हैं, मतलब कि दरअसल ये कोरोना उस व्यक्ति को पहले ही हो गया था, लेकिन उसका टेस्ट आज हुआ है इसलिए वो आज में गिना जाएगा। टेक्निकली उसका टेस्ट आज हुआ है तो वो आज में गिना जाएगा, मतलब कि आज कितने संक्रमित मिले हैं। चाहे वो उसको 1 महीने पहले कोरोना हुआ, लेकिन उसको आज में गिना जाएगा, क्योंकि उसका टेस्ट आज हुआ है तो टेक्निकली उसको आज गिना जाएगा कि ये आज पॉजिटिव मिला है। तो आप जितने टेस्ट करोगे उतने ज़्यादा संक्रमित मिलेंगे। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इतने दिन लॉकडाउन था फिर भी इस कोरोना पर कोई असर नहीं हुआ, तो ये लॉकडाउन का क्या मतलब? अब बस हो गया ये लॉकडाउन, बस बंद कर दो, कुछ असर नहीं होने वाला है। और इससे दरअसल हमको फ़ायदा ही है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छे से कैपेबल हो रहा है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी फॉरगेट कर सके और हमारी शरीर से बाहर निकाल सके, और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम और तेज़ी से ग्रो हो रहा है और अच्छे से ग्रो हो रहा है। और मर भी वो व्यक्ति रहे हैं जो कि मतलब कि पहले से कोई बीमारी थी उनको, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे वो व्यक्ति मर रहे हैं। और रिकवरी रेट भी 50% के आसपास पहुंच गई है भारत में, तो भारत के लिए बहुत बढ़िया बात है। तो कोरोना एक लेजेंड है और लेजेंड नेवर डाई, आप सभी को ये पता। तो अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। तो बाय।